अस्सलाम वालेकुम सेवंथ क्लास वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास आई होप यू ऑल आर इंजॉय गुड हेल्थ टुडे वी टूडे स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर फिफ्टी टू अगेन कॉम्प्रीहेंशन फोकस कॉम्प्रीहेंशन फोकस से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग रीडमी में आएंगे रीडमी में हमारे पास जो ब्लॉक है उसको रीड करेंगे कीवर्ड वर्ब एंड टेंस यूज इन द क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन ठीक है की जो हमें मेन वर्ड्स दिए जाते हैं वर्ब वर्ब की जो आपको टाइप दी जाती है यहाँ पे एंड द टेंस और जो टेंस यूज किया जाता है ठीक है जमाना जो भी यूज किया जाता है इन अ क्वेश्चन क्वेश्चन में कैन हेल्प अस वो हमारी मदद करते हैं अ लो टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई शनाख्त क्वेश्चन टाइप टाइप कहते किस्म ठीक है आइडेंटिफाई uh, करते हैं यानी वो शिनाख्त करवाते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस किस्म का है इवेल्यूएटिव होता है तशीसी ठीक है तशीसी क्वेश्चन रिक्वायर द रीडर्स टू फॉर्मुलेट फॉर रिक्वायर जरूरत होती है रीडर्स को जो पढ़ने वाले होते हैं टू फॉर्मुलेट वजह हो जाए उनपे अ रिस्पॉन्स जवाब बेस्ड ऑन देयर ओपिनियन कि वो अपने ओपिनियन के मुताबिक जो है वो उस चीज का जवाब दे दे सके जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है उसके लिए जैसे लिटरल क्वेश्चन में हमें टैक्स बेस आंसर देना पड़ता है हमें इसके लिए टैक्स बेस आंसर नहीं देना पड़ता हम रीडर्स जो होते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं टेक्स को पढ़ के कि वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं ठीक है अपनी राय दे सकते हैं तो हम उन क्वेश्चन को क्या कहते हैं उन क्वेश्चन को हम इवेल्युएटिव क्वेश्चन कहते हैं तो बेटा ये आपने अपने होमवर्क में करना है ठीक है ये आपका होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्रीहशन फोकस में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हु वॉज अ पुअर मैन वट डिड ही नीड इड ठीक है पुअर आदमी जो था गरीब आदमी था वो कौन था और उसे किस चीज की जरूरत थी ही वॉज अ फार्मर ठीक है आप यहाँ पे कर सकते हैं पुअर मैन वॉज अ फार्मर या फिर ही वॉज अ फार्मर एंड ही नीडेड टू वाटर हिज लैंड ही नीडेड टू वाटर हिज लैंड ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा आपका नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन आपका है वट डिड द रिच मैन डू टू दुअर फार्मर रिच मैन जो था अमीर आदमी था उसने फार्मर के साथ क्या किया था ही प्लेड अ ट्रिक ऑन द फार्मर ठीक है उसने फार्मर के साथ एक चाल खेली थी ही डिड नॉट अलाउ हिम उसने उसको इजाजत नहीं दी टू टेक वाटर कि वो पानी निकाले एंड ऑफर टू सेल द वेल और उसे ऑफर किया कि वो अपना वेल सेल कर देगा टू द फार्मर फार्मर को ठीक है उसने उसके साथ ट्रिक खेली चाल खेली कि वो उसे पानी नहीं लेने देगा लेकिन वो अपना पूरा कुआं जो है वो फार्मर को सेल कर देगा नेक्स्ट बेटा आपके पास थर्ड क्वेश्चन है वेयर डिड द फार्मर एंड रिच मैन गो फॉर जस्टिस ठीक है जस्टिस के लिए वो कहाँ गए थे द फार्मर एंड रिच मैन वेंट टू गेट जस्टिस फ्रॉम इम्पीरियर अकबर ठीक है दोनों बादशाह अकबर के पास गए थे जस्टिस के लिए नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हाउ डिड द रिच मैन प्ले पे सॉरी डिड बीर्बल टेक अ वाइस डिसीजन हाउ कि बिरबल जो था उसने वाइस डिसीजन लिया था और कैसे लिया था यस yes, बिरबल गेव अ वाइस डिसीजन ही टोल्ड द रिच मैन यू विल हैव टू पे टू द फार्मर फॉर कीपिंग योर वाटर इन द वेल ठीक है अब बिरबल ने वाइस डिसीजन लिया था उसने किस रिच मैन को क्या कहा था उसने रिच मैन से कहा था कि आप जो है अब पानी लेने के लिए फार्मर को पे करेंगे ठीक है फार्मर को पैसे देंगे ताकि आप उस कुएं से पानी ले सके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ डिड द रिच मैन पे फॉर हिज रोंग डीड्स राइट योर व्यू अबाउट इट इन अ पैराग्राफ ठीक है राइट योर व्यू अबाउट इट इन अ पैराग्राफ तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपके पास बेटा यहाँ से है द रिच मैन वॉज मच अशेम्ड ऑफ इज बैड बिहेवियर टू द फार्मर ही वॉज स्टोरी फॉर वट ही हैड डन रिच मैन जो था उस, उसे बहुत ज्यादा शर्म आई फिर बाद में उसे ठीक है वो शर्मिंदा हुआ अपने बिहेवियर के ऊपर जो उसने फार्मर के साथ किया था फिर उसने फार्मर से सॉरी की फार्मर से सॉरी करने के बाद उसने जो, जितने जो गलत किया था उसके लिए उसने फार्मर से माफी मांग ली थी ठीक है यहां तक बेटा आपके फाइव क्वेश्चन के आंसर है फाइव क्वेश्चन के आंसर आपने याद करने हैं और होमवर्क में बेटा आपने इवेल्यूएटिव क्वेश्चन की डिफाइन याद लिखनी है ठीक है वैल्यूएटिव क्वेश्चन की डिफाइन uh, लिखनी है और बेटा आपको जितने भी वर्ड्स मीनिंग करवाए जाते हैं आप वो वर्ड्स मीनिंग याद किया करें उन्हें नोट किया करें आप अपनी बुक के ऊपर बुक के ऊपर आपके बेटा ये नोट होने चाहिए जब आपकी बुक की चेकिंग हो ठीक है उसके अलावा बेटा आप डेट जरूर मार्क करें यहां पे आपने इलेवन बाय फाइव की डेट मार्क करनी है ठीक है आज की डेट में आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं और इवेलिएटिव क्वेश्चन की डिफाइन याद करनी है डिफाइन आप होमवर्क में भी करेंगे क्वेश्चन के आंसर बेटा आप याद करेंगे ठीक है आप याद करके इनको एक रफ रजिस्टर पे जरूर लिख के देखिएगा ठीक है ताकि आपको आप, आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो पॉइंट आउट हो जाए और उसके बाद आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए ठीक है आपने इनको अच्छे से याद करना है और फिर लिख के देना है और बेटा जो आप होमवर्क करेंगे आप उसकी तस्वीर बना के जरूर ऑनलाइन क्लास में सेंड करेंगे और अपने नाम और आईडी के साथ ठीक है नाम और आईडी के साथ आपने होमवर्क को पिक बनाकर उसकी आपने सेंड करनी है अपनी ऑनलाइन क्लास में तो आप बेटा डेट जरूर मेंशन कर लें ठीक है इलेवन बाय फाइव की फी अमानिला